अयोध्या विवाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि गैर विवादित भूमि रिलीज की जाए, उस पर यथा स्थिति का आदेश वापस लिया जाए ताकि वहां पर कॉरिडोर का निर्माण किया जा सके। हम बात करें विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष और पेशे से वकील भी हैं आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इस अर्जी को क्या कहेंगे? इस पर बहुत सारी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं, ये अर्जी कानूनन इसकी अहमियत नहीं है। मैं सोचता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि कानूनी अहमियत नहीं है, उनको न्यायाधीश का काम किसी ने सौंपा नहीं है। 67.703 एकड़, इसका अधिग्रहण 1993 में हुआ था। जो विवादित भूमि है वो तो 0.313 एकड़ है, बाकी जमीन पे विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसका आपने अभी गलियारा कहा, कि जहां ढांचा था वहां तक पहुंचने का मार्ग सुरक्षित करने के बाद बाकी की जमीन वापस करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि मुकदमे के अंत में सरकार को ये वापस करना होगा। अंत तो हो ही नहीं रहा, 26 साल हो गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि जिस जगह की हमें ज़रूरत नहीं है, जो जगह हमारे गलियारे में नहीं आएगी, वो उसके मालिकों को वापस करें। राम जन्मभूमि न्यास के पास 42 एकड़ भूमि है, राम मंदिर के निर्माण के लिए वो ली गई थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला करेगी और न्यास की भूमि उसको वापस मिलेगी। आलोक जी, चूंकि आप पेशे से वकील और भावना से विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, तो मस्जिद के पैरोकारों ने ये कहा है कि एक तो इतना पुराना मामला और असलम भूरे, उनके LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो सब लोग इस दुनिया में नहीं है। नोटिस जाएगा तो कहाँ, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक्सटेंड ही नहीं करती। मुझे पता नहीं किसने ऐसा कहा। मुकदमे में पक्षकार हैं, जो जिन पक्षकारों का देहांत हो गया होगा उनके लीगल एयर्स होंगे। ये सब प्रोसीजरल रेंगल्स हैं, सरकार को भी और जो मुकदमा लड़ते हैं उनको निपटना आता है। मैं इस तरह की आपत्तियों से सहमत नहीं हूँ। ये राजनीतिक मामलों में ये कहा जा रहा है कि एक पेन किलर है, चूंकि चुनाव का साल है, कुंभ का मेला चल रहा है, सब जगह असंतोष फूट रहा है, तो इसलिए सरकार ने एक पेन किलर दिया है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। निर्णय होने में लगातार जो देरी हो रही है, मैं तो मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो एक एक तारीख का विचार करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, जब एडजर्न होता है तो उसकी शिकायत करते हैं। इस दबाव में छोटी तारीखें भी हुई पर उसमें से एक भी कारगर नहीं हुई। उस परिस्थिति में से ये आया है और इसलिए इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं ढूंढना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये कहा जा रहा है कि सरकार ने चुनावी साल में ये तुरप का पत्ता तो ज़रूर डाला है, लेकिन जैसा कि आलोक जी ने कहा कि सुनवाई में देरी हो रही है, निर्णय में देरी हो रही है, तो उससे तो यही लगता है कि यही कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। कैमरामैन नासिर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।